नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। टीवी 20 न्यूज पर देश और प्रदेश की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। तो खबर आजमगढ़ से, जहां अज्ञात कारणों से लगी भीषण आग, मवेशी समेत पूरी गृहस्थी जलकर हुई खाक। आपको बता दें तो थाना क्षेत्र के सघनपट्टी बेनी गौरा निवासी सुशीला देवी पत्नी स्वर्गीय नागेंद्र राजभर के घर में बुधवार दोपहर लगभग 2:30 बजे करीब अज्ञात कारणों से आग लग गई। जब तक लोग कुछ समझ पाते तब तक पूरे घर को आग ने अपनी चपेट में ले लिया और तेज हवा के कारण धू धू कर जलने लगा। वहीं घर में सटे बरदौल के खूंटे से गाय, भैंस व 2 बछड़े व 6 बकरियां भी जलकर खाक हो गई। आग लगने के समय परिजन कहीं बाहर गए थे, घर पर कोई मौजूद नहीं था। स्थानीय लोगों ने आग लगने की सूचना फायर ब्रिगेड व थाना प्रभारी को दी तथा स्थानीय ग्रामीण आग बुझाने का प्रयास करने लगे। फायर ब्रिगेड की टीम भी घटनास्थल पर पहुंच गई और आग बुझाने में जुट गई। जब तक आग पर पूरी तरह से काबू पाया जा सकता था तब तक घर गृहस्थी का सारा सामान जलकर राख हो गया। केवल परिजनों ने तन पर पहने कपड़े ही बचे। इस घटना से पूरे गांव में कोहराम मच गया है। मौके पर थाना अध्यक्ष वीरेंद्र कुमार सिंह, कानूनगो धर्मराज गुप्ता, लेखपाल धर्मराज राम तथा पशु डॉक्टर पहुंचकर निरीक्षण किए। थाना अध्यक्ष ने परिजनों को आर्थिक मदद का भरोसा दिलाया है। पीड़िता सुशीला देवी ने बताया है कि मेरी पूरी गृहस्थी जलकर खाक हुई है, जो कुछ भी मेरे घर में था सब जलकर राख हो गया है। लगभग 2 लाख के मवेशी जलकर मर गए तो वहीं घर जलने से 6 से 7 लाख रुपए का भारी नुकसान हुआ। बेटी की शादी करने के लिए कुछ गहने भी घर में रखे थे जो जलकर खाक हो गए। स्थानीय लोगों ने के अनुसार आग लगने का कारण स्पष्ट नहीं हो सका है, क्योंकि आग लगने के समय कोई भी परिजन घर पर मौजूद नहीं था। हालांकि इस आग लगी की घटना से गरीब परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट गया है। क्या कुछ कहा है पीड़िता ने, आप सुनिए। आपका नाम क्या है? सुशीला। सुशीला, कैसे लगी आपके घर में आग, मालूम है? हमके नाम पता साहब, हम बाजारे रानी है। कितने लोग रहने घर में? एक लड़का रहा है, वो क्यों घर खेलत रहत रहली, हम नारानी साहब। काका जला है मालूम है? हमार तो साहब जर के राख हो गए ले साहब, हमार साथ के धना जर गल ऐसा है। दूठ गाय रानी, एक भैंस रानी, चाट चेड़ी रानी है। कितना नुकसान हुआ होगा? दूठ बचवा रहना है। कितना नुकसान हुआ होगा चाची? 7-8 से धन रहना हमार। अरे राम हो राम, अरे हमार कुछ जर गल हो साहे, अब हमार कुछ ना बचल, हमार लड़कियन गहना रहा और रमवा वही में। पहले अपना परिचय दीजिए, क्या नाम है? मेरा नाम सर हरिलाल राजभर है, मैं इस गांव पंचायत का प्रधान भी हूं। कौन सा गांव है? ग्राम पंचायत सघनपट्टी। किसके घर में आग लगी थी इसके बारे में? सुशीला देवी, स्वर्गीय नागेंद्र राजभर। तो कैसी आग लगी थी कुछ जानकारी? अब क्लियर कट नहीं है, कोई ये बता रहा कि बिजली से आग लगी है। क्या क्या नुकसान हुआ? नुकसान में पशु तो एक नहीं बचे इनका, बकरियां थी, एक भैंस थी, 2 गाय थी, उनके 2 बच्चे थे, बकरियां 6 थी, और बाकी खाने पीने का सामान, राशन, रजाई गद्दा, इनके पास केवल शरीर पे जो कपड़ा है वही बचा, बाकी कुछ बचा नहीं। कितने लोग रहते थे? लगभग 6-7 लोग इनके परिवार में रहे होंगे, 6-7 लोग परिवार में रहते हैं। नुकसान किसी को? उसमें तो परिवार को नहीं नुकसान हुआ, लेकिन इनके पास कुछ बचा नहीं, केवल शरीर पे जो कपड़े पहने। लगभग सब कुछ मिला के लगभग कितने का? लगभग 3 लाख से। पप्पू दुबे, ग्राम पंचायत बनकर जगदीश कापुर, ग्राम प्रधान। आज आए यहाँ पे, ये आग लगी हुई है? हाँ, कैसे आग लगी इसके बारे में? आग तो अज्ञात, जो कई लोग कई किस्म की बात कर रहे हैं कि क्लियर कट किसी ही देखा है, हत्या है। हमको तो फोन चली, प्रधान जी से बात करना चाहे तो बताए ऐसी स्थित है, हम भी भाग दौड़ करके आए, लेकिन यहाँ जो प्रधान जी ने कहा कि सिर्फ उसके कपड़े बचे हैं और उनकी बहन बेटियाँ भी समटी हुई थी जेवर से, कुछ बचा नहीं है, मतलब खाना पीना मिला के 3-4 लाख से कम का खर्च नहीं पड़ा है, कुछ नहीं बचा है। शाम को खाने के लिए भी इनके पास कुछ नहीं है, जी जो तन पे कपड़ा है वही है बस, और कुछ भी नहीं है। 6 ठो बकरियाँ, 2 ठो गाय, 1 भैंस, 2 बच्चे उसको सब राख हो रहे, देखते नहीं बन रहा है। कितने बजे लगी होगी? अब वही 2:30 से 2:45 यही लमसम का आंकड़ा है। लगभग कितनी देर बाद आग पे काबू पाया गया? वो समझिए कि काबू का मतलब जब सब कुछ नष्ट हो तब पाया गया, बस अगल बगल बच गया ग्रामीणों के मेहनत से। ग्रामीणों ने
पानी से व्यवस्था सैकड़ों ग्रामीण थे पानी फेंक करके और जाते रहे, वो बचाए, एक ही घर ये जला, अगल बगल बच गया ग्रामीणों की मदद से, जान लीजिए। किस गांव के निवासी, क्या नाम है आपका? मैं प्रधान प्रमोद कुमार यादव, बड़ा गांव। और ये आग लगी इस गांव में, कैसे लगी है और कितने का नुकसान हुआ? ये तो मुझे नहीं पता कैसे लगी, लोग बता रहे हैं शॉर्ट सर्किट से आग लगी है, और नुकसान तो लगभग इनके जानवर का 2 लाख रुपए का नुकसान हुआ है, और प्लस उसके बाद जो घर जला इनका लगभग 3-3.5 लाख रुपया से कम घर नहीं रहा होगा, है तो कच्चा घर लेकिन 3-4 लाख रुपया करीब रहा होगा, और इनके पास जो भी खाने पीने का सामान था कुछ भी नहीं रह गया है, केवल इनके शरीर पर जो कपड़े हैं वही कपड़े पहने लोग पड़े हैं और कुछ रह नहीं गया है। क्या करता था इनका परिवार? मजदूरी करते थे लोग। हाँ, तो कोई आया, कोई अधिकारी आया, कोई लेखपाल आया? नहीं, लेखपाल लेखपाल भी आए हैं, कानूनगो भी आए हैं, और थाने से भी लोग आए हैं, फायर ब्रिगेड आई थी, सारे लोग आ गए। लगभग आग लगी थी? लगभग 2:30-3 बजे आग लगी थी। कैसे आग पे काबू कैसे पाया गया? ग्राम सभा के लोग जुटे और सारे लोग आग पे काबू पाए, उसके बाद फायर ब्रिगेड गाड़ी आई तो उसमें सब काबू हुआ।